वेलकम बैक टू माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों की ब्लेसिंग इतनी ज़्यादा आई कल, थैंक यू सो मच। बस इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। सो मैं जा रही हूँ मार्केट, आज है रामनवमी, हैप्पी रामनवमी टू ऑल। तो आज मैं सोची हूँ कुछ लेके आती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आज मार्केट से क्या लेके आ रही हूँ, बहुत स्पेशल चीज़ है। सो चलिए फिर, यहाँ पे बस मंदिर के दर्शन रोज़ सुबह हो जाते हैं तो मैंने सोचा मत्था टेक लेती हूँ अंदर जाके, और मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। मॉर्निंग में जब भी ऑफिस जाती हूँ तो सुबह सुबह दर्शन भी हो जाते हैं, तो चलिए फिर मैं थोड़े से दर्शन कर लेती हूँ भगवान जी के। लिए गाइस दर्शन भी हो गए हैं, सो अब यहाँ से मैं ऑटो लूँगी, ऑटो में जाऊँगी। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों का बहुत प्यार मिला कल देखने को, मैं बहुत मतलब ब्लेस्ड हूँ कि आप लोगों की तरह सब्सक्राइबर है मेरे, बहुत सारी विशेज दी थी, थैंक यू सो मच गाइस। हवा चली है बहुत तेज़, और आज ना मौसम भी थोड़ा सा बादल वाला है, रामपुर तो बारिश हो रही है, बारिश तो नहीं है यहाँ पर बट हाँ दिन तक हो सकती है। तो ये पहुंच गई थी मैं मेन रोड पे, अब यहाँ से बस सीधे ऑटो ले लूँगी, और आज वेदर भी काफ़ी अच्छा था। इसके बाद गाइस आज तो मेरा मोटो ही था कि आज मुझे कान्हा जी को घर लाना है उनके घर के साथ। तो यहाँ पे बस मैं मंदिर देख रही थी तो यहाँ पे इस तरह से वैरायटीज थी मंदिर की, उसमें से गाइस मुझे ये एक मंदिर है छोटू सा, ये पसंद आया है, और इसी के साथ मैं लग गई थी मूर्तियाँ देखने। तो मुझे इस तरह के बाल गोपाल चाहिए थे छोटे से, तो बस यहाँ से मैंने सिर्फ मंदिर ही किया, बाल गोपाल जी पसंद उतने मतलब आ तो गए थे बट उनका मुझे अच्छा नहीं लगा ज़्यादा मार्बल, तो बस यहाँ पे मैं दूसरी शॉप में चली गई, यहाँ मुझे एक और छोटी सी मूर्ति पसंद आ गई मेटल की, तो ये बहुत छोटी लग रही थी, फिर सोचा कुछ और देखती हूँ। तो देखते देखते गाइस फाइनली मैंने एक चीज़ ले ही ली। मार्केट विजिट करने के बाद मैं तो आ गई थी ऑफिस, और अभी है ऑफिस की टाइमिंग, मतलब ऑफ होने वाला है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अभी फ्री टाइम था टेरिस पे जाती हूँ, थोड़ा फ्रेशन अप होती हूँ, और थोड़ा सा अंदर सफोकेशन सी हो जाती है, तो मन करता है कि चलो थोड़ा सा बीच बीच में हवा खाने में आ जाती हूँ टेरिस पे। सो टेंपल मुझे काफ़ी अच्छा पड़ गया, और काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं टेंपल लेने का, जब से शिफ्ट हुई हूँ लिया ही नहीं था, छोटी सी बस मूर्ति थी उसी को बस सुबह वहीं पर प्रे करती थी, तो फिर मैंने सोचा कि ले लेती हूँ, और आज रामनवमी से बेटर कोई दिन हो भी नहीं सकता है। सो चलिए फिर अभी थोड़ी देर यहाँ पर थोड़ा माइंड फ्रेश करती हूँ, ताज़ी हवा लेती हूँ, क्योंकि बीच बीच में सफोकेशन सी हो जाती है रूम में बैठ बैठ के ज़्यादा, तो फिर इस वजह से अभी थोड़ी देर फ्रेश होती हूँ, फ्रेश एयर लेती हूँ, और मौसम भी काफ़ी अच्छा सा हो गया। पहुँच गई हूँ घर, मतलब रास्ते में हूँ, और सामान लेके आ गई हूँ जो लेना था, ये देखिए, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, अभी घर जाके दिखाती हूँ आपको क्या लेके आई हूँ। बहुत टाइम से सोच रही थी, और मम्मी से मुझे रोज़ डांट पड़ती है कि लेके आई हो जल्दी, और मिला नहीं, पहले मैं जो मेरी चॉइस का था वो मिला नहीं, मैं बहुत चक्कर काटे मैंने आज, तब जाके मुझे फाइनली एक पसंद आया, चलिए दिखाऊंगी आपको। सो गाइस पूरा दिन का पता ही नहीं चला आज कैसे चला गया, और ये देखिए बाहर का वेदर किस तरह का है, बहुत अच्छा सा था, तूफ़ान भी आया बारिश भी आई, आजकल मौसम का पता ही नहीं चलता है बदल जाता है। तो देखो इस तरह का है, मतलब क्लाउड्स हैं, बारिश भी हुई है आज। एक्चुअली मैं मार्केट चली गई थी, उसके बाद मैं आई, फिर मैं ऑफिस गई, और ऑफिस के बाद फिर मैं अभी घर आ रही हूँ, तो बहुत घूमी हूँ आज, बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, क्योंकि दो चार शॉप्स में गई, वहाँ पे मंदिर बहुत बड़े बड़े थे जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे, मुझे छोटू सा मंदिर चाहिए था अपने रूम के लिए, और मंदिर रखे मैंने करना क्या है, तो इसलिए छोटू सा लेना था, और मुझे मिल भी गया मेरी चॉइस का, पहले बहुत बड़ा था वो 1200 के अराउंड 800 के अराउंड बोल रहे थे, बट फिर मैंने सोचा मैं छोटू सा देखती हूँ मार्केट में शायद और जगह मिल जाए, तो मैंने 5 से 6 शॉप्स छानी होगी, पर ये होता है कि अगर आप 3-4 शॉप्स घूमो ना तो मिल ही जाता है आपको आपकी चॉइस का, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सारी पूरा बाज़ार घूमने के बाद फिर कोई चीज़ लूँ, तो ये तो फिर मंदिर था, इसके लिए तो फिर टाइम लगना ही था मुझे, उसके बाद फिर मैंने मूर्ति सिलेक्ट की, वो भी मुझे मार्बल वाले स्टफ़ में भी चाहिए थी एक, और एक मिट्टी की भी, तो दोनों मुझे मिल गई। सो चलिए फिर अभी पहले घर पहुंचती हूँ जल्दी जल्दी, फिर आपको दिखाती हूँ, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है बाय द वे, ठंडा ठंडा सा, चलिए।
ये देखिए गाइस एप्पल तो इस तरह के होने लगे हैं। तो सोलन में तो मैंने फर्स्ट टाइम ही देखे ये सेब। लोगों ने ना घरों में भी सेब लगाए, मैंने तो सोचा था हमारे साइड ही सेब होते हैं, बट इस घर में मैं रोज़ देखती हूँ। पहले फूल आए थे फिर सेब भी आ गए, सो घरों में भी आप लगा सकते हैं एप्पल। चलिए टाइम होने लगा है गाइज 6:30 के अराउंड, तो मार्केट में मुझे 1 आवर लग गया बहुत सारी शॉप्स घूम घूम के। सो चलिए, बारिश का पानी है, बारिश के कारण पूरी गली में पानी ही पानी हो गया था। सो गाइस फाइनली पहुंच गई हूँ और मास्क उतार देती हूँ, और हालत देखिए कैसी हो गई है। तो ऐसे ना चलते चलते स्वेटिंग सी हो जाती है, वैसे तो मौसम थोड़ा सा मतलब क्लाउडी सा, बाल भीग भी गए मेरे, देखिए भीगे भीगे से लग रहे हैं। सो ये मैं लेके आ गई हूँ अपना सामान, अभी आपको दिखाती हूँ। बाय द वे पीछे देखिए कितने सारे पार्सल मुझे रिसीव हुए हैं, ये होम डेकोर का है सारा, तो मैंने इकट्ठा कर रही हूँ इन्हें, एक साथ में आप लोगों के साथ होम डेकोर शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी बस इकट्ठा करके रखती हूँ, एक दो चीज़ें और आनी है, फिर इकट्ठे ही रूम का डेकोर करूँगी। तो बेसिकली कुशन्स हैं, बेडशीट्स हैं, कुशन कवर्स हैं, और एक सेंटर टेबल काइंड ऑफ मैंने मंगवाया था, ये मीशो से मैंने मंगवाया है, तो मीशो हॉल ज़रूर शेयर करूँगी होम डेकोर का। सो बालों के हाल देखिए मेरे, तो अभी पानी वानी पी लेती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ। बहुत टाइम से वेट था, सोच रही हूँ लगाऊँ कहाँ पे मंदिर को, समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ पे लगाऊँ। मैं सोच रही थी यहाँ पे लगाने का, अंदर वाली डोर से बाहर, बाकी अंदर वाला रूम भी है तो, या यहाँ पे कहीं लगवा दूंगी, ऐसा सोच रही हूँ। बहुत ईजी होगा लगाना क्योंकि सिंपल सी कील लगेगी उसमें और दैट्स इट। पहले मैंने सोचा अगर कि बड़ा मैं लेके आऊँगी तो बड़े के लिए ड्रिल की ज़रूरत होगी, बट सोच रही हूँ कि सिंपल सा छोटू सा रखूँ। और वैसे वो वाला कॉर्नर भी सही है वहाँ पे कर्टन के साथ, ये वाला कॉर्नर भी, बाकी देखती हूँ बाहर भी अच्छा लगेगा, लिविंग एरिया में भी साइड में अच्छा लगता है, किचन के साथ भी अच्छा लगता है टेम्पल। तो अब सोच रही हूँ कहाँ लगाऊँ। एक्चुअली जो मॉर्निंग का सनराइज़ है वो यहाँ पे इस साइड से होता है, तो सोच रही हूँ इस वाली वॉल पे लगा दूँ यहाँ पे, यहाँ भी बहुत अच्छा लगने वाला है टेंपल। तो देखती हूँ अभी, हस्बैंड को शाम को वीडियो कॉल करूँगी, उनसे पूछूँगी कहाँ लगवाना है क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं लग रहा है कहाँ पे लगाऊँ। सो स्किन अभी कितनी क्लियर लग रही है, रेड हो गई है देखिए नोज़, ठंड सी थी ना बाहर इसलिए, और जैसे बारिश हो जाती है तो बहुत ठंड सी फील होती है यहाँ पे। तो चलिए थोड़ा फ्रेशन अप होती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। पानी वानी पी लिया था, थोड़ी फ्रेशन अप हो गई थी मैं, और आज थोड़ी मेरी हेल्थ ठीक है। कभी कभी होता है ना इस हालत में कि थोड़ी सिकनेस सी फील होती है। और कल गाइज आप लोगों के ढेरों सारे कमेंट आए, दिल से थैंक यू, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स फैमिली सब लोगों ने मुझे ब्लेसिंग दी है। बस इसी तरह अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा और भगवान से प्रे कीजिएगा सब कुछ अच्छा हो। सो आज रामनवमी का दिन है, बहुत शुभ दिन है गाइस। सुबह मैं मंदिर भी गई थी, मंदिर के दर्शन भी किए, और आज रामनवमी वाले दिन देखिए मैं कितनी प्यारी चीज़ लेके आई हूँ। वैसे तो आपको दिखा दी है बट फिर भी, सो आपको दिखाती हूँ अभी, बहुत सुंदर चीज़ लेके आई हूँ गाइस। सो ये देखिए आज मैं छोटू सा मंदिर लेके आई हूँ, बहुत प्यारा है, छोटे साइज़ का लिया है गाइस, इस तरह से पीछे से हैंगिंग में के लिए भी है इसमें दिया हुआ ये। सो ये इजीली लग जाएगा मुझसे खुद से भी, और बहुत ब्यूटीफुल है गाइस, इस तरह से यहाँ पे लेस दी गई है इसमें, बहुत प्यारा सा मंदिर है, बहुत क्यूट छोटू सा। काफ़ी बड़े बड़े साइज़ में अवेलेबल थे गाइज वहाँ पे, 1200 के थे, 2300 में, 2300 2000 तक के थे, बट मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए था अपने रूम के लिए, बस छोटू सा एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ मैं सुबह प्रे कर सकूँ और धूप वगैरह कर सकूँ।
मैं हमेशा, मेरे पास छोटी सी गणपति जी की मूर्ति थी, बस सुबह मॉर्निंग में उसी के सामने ही मत्था टेकती थी। तो मैं हमेशा सोच रही थी, काफ़ी टाइम से, हमेशा क्या मतलब, काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि टेंपल लेके आऊं, और आज से बेटर दिन हो नहीं सकता था। आज रामनवमी थी तो मैंने सोचा एक छोटू सा मंदिर ले लेती हूँ। बहुत प्यारा है गाइज, और प्योर वुड का है ये, काफ़ी अच्छी से फिनिशिंग दी गई है, और पीछे से कुछ इस तरह से है, और इस तरह से डॉट डॉट दिए गए हैं, और यहाँ स्वास्तिक का निशान है, बहुत शुभ माना जाता है। तो मुझे लगा ये अच्छा है और रूम पे बहुत सुंदर लगेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस कैसा है फाइनली। मेरा काफ़ी टाइम से विश थी छोटू सा मंदिर लेने की, और आज मैंने ये पूरी कर दी है, और बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब जैसे ही मैंने इसको देखा ना, इससे बड़ा साइज भी अवेलेबल था वहाँ पे, जैसे ही मैंने देखा इसको, बस मैं कहा ये तो लेना ही लेना है, क्योंकि बहुत प्यारू सा था छोटा सा। तो ये मुझे गाइस पड़ा है 400 का, मतलब उन्होंने 380 रुपीज़ मुझसे इसके लिए हैं, और बाकी जो बड़े बड़े टेम्पल हैं वो मैंने देखे थे वो 1200 के अराउंड पड़ रहे थे, और बहुत बड़े थे, इतने साइज़ के थे, इतना मैंने कहाँ डालना था वो, और उठाना कैसे था मैंने, क्योंकि मैं आपको गाइस सच बताऊँ तो लिटरली पूरा मार्केट घूमी हूँ आज, पूरा मार्केट। तो वहाँ भी शॉप्स में, 2-3 शॉप्स में इससे बड़े ही साइज़ के थे, छोटे साइज़ का कोई नहीं था। ये तो मैं ऐसे ही मेन जो मॉल पे शॉप्स होती है वहाँ पे गई, और वहाँ पे बस ऐसे ही गिफ्ट वाली शॉप में ही मुझे ये मिल गया। मुझे पता था कि कुछ ना कुछ आइटम वहाँ ज़रूर मिलेगी, तो लकीली मुझे ये मिल गया, और जैसे ही मिला मैंने ये फाइनल कर दिया, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और मैं सोच रही हूँ इसमें माला वगैरह भी सोच रही थी, बट मुझे लगा ये सिंपल ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इस तरह से है गाइस, और इस तरह से ये हैंग हो जाएगा वॉल पे, और बहुत प्यारू लगेगा गाइस छोटा सा। कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा कैसा है, और ये चीज़ होनी चाहिए आपके रूम में, आप जहाँ भी रहते हो। मेरे पास यहाँ पे नहीं था तो मैंने ये विश भी अपनी पूरी कर ली है आज, और स्किन देखिए कितनी ग्लो कर रही है, ये सब इस मौसम का कमाल है। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत प्यारी सी चीज़ लेके आई हूँ, और वो है बाल गोपाल जी। ये बिल्कुल मार्वल के हैं गाइस, और ये मुझे पड़े हैं 150 रुपीज़ के। कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा कैसे हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट हैं गाइस, छोटू से, और इसमें वो जो इनका जिससे माखन चुराते थे वो भी है साथ में, और बहुत प्यारे से यहाँ पे मोर पंख भी बना हुआ है, बहुत सुंदर है गाइस, छोटू सा डिज़ाइन है। पूरे मार्केट में मुझे ये मार्बल वाला इस साइज़ का नहीं मिल रहा था, एक ही शॉप थी वहाँ से मैंने लिया है, और सबसे अच्छी बात है ये इसमें इजीली फिट भी हो जाता है। ये देखिए इस तरह से लगने वाला है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कैसा लग रहा है आपको। और इसी के साथ एक तो मैं कान्हा जी लेके आई हूँ छोटू से, और इसके साथ मैं एक बहुत प्यारे से गणपति जी लेके आई हूँ। गणपति जी मेरे पास ऑलरेडी हैं, सो एक मैं और लेके आई हूँ मिट्टी के गणपति जी, ये देखिए। और मिट्टी के जो चीज़ें होती है बहुत शुभ मानी जाती है, तो मैंने सोचा कि एक ये भी ले लेती हूँ, तो ये मुझे पड़ी है 50 रुपीज़ की, और बहुत अच्छी है गाइस, फिनिशिंग बहुत अच्छी है इसकी। और बस इनके लिए मैं सोची थी छोटी छोटी सी माला देखूं, पर माला मुझे ऐसे नहीं मिली, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, अंधेरा होने लगा था, तो मैंने सोचा घर निकल जाती हूँ टाइम से। तो इस तरह से मैं इन्हें प्लेस करूँगी, आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइस, गणपति जी और कान्हा जी साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा आपको ये मेरी छोटू सी शॉपिंग कैसी लगी। इसके अलावा मैं कुछ नहीं लेके आई, आज मेरा पर्पज़ ही यही था मार्केट जाने का कि मैं आज ये लेके आऊं, और आज इतना शुभ दिन है रामनवमी का, तो इससे बेटर चीज़ और कोई हो नहीं सकती है। सो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, और इस तरह से है ये। तो इसी के साथ मैं सोच रही हूँ यहाँ पे धूप वगैरह करने के लिए छोटे छोटे से जो चीज़ें होती है वो यहाँ पे ऐड करूँ, तो इस तरह से मैं इन्हें प्लेस कर दूंगी बाहर वाले कॉर्नर में, इस तरह से लगेगा ये कुछ मंदिर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, मतलब कि जितना मैंने सोचा था उसके लिए काफ़ी है, मतलब उतना ठीक है। तो ये थी गाइस मेरी आज की शॉपिंग जो मुझे काफ़ी टाइम से करनी थी, दो महीने से ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं जब से यहाँ शिफ्ट हुई हूँ तब से मेरा मन था टेंपल लेने का, तो मुझे नहीं मिल रहा था मेरी चॉइस का। एक बार हम पीछे भी गए थे, हस्बैंड के साथ गई थी मैं, तब भी विजिट किया था हमने, तब भी वो काफ़ी एक्सपेंसिव बता रहे थे, और इतना बड़ा मुझे चाहिए नहीं था,
तो ये वाला पीस मैं ऐसे ही रैंडम चली गई शॉप में, और वैसे मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, मैंने सोचा रूम ही चली जाती हूँ, बट एक शॉप में मैं ऐसे ही अंदर चली गई और पहले मंदिर लिया, फिर दो तीन शॉप और मैंने मतलब घूमी मैं, उसके बाद जाके मुझे ये मूर्ति पसंद आई और उसी शॉप से मुझे एक मिट्टी की मूर्ति वहाँ पे ऐसे ही पसंद आ गई। मैं कहा मिट्टी की मूर्ति बहुत शुभ मानी जाती है और दिवाली पर मैं हर साल मिट्टी की मूर्ति ही लाती हूँ, और फिर मैंने सोचा कि ये परफेक्ट है। मतलब आज की जो मेरा एक घंटे का सफ़र था, मतलब पूरा मार्केट घूमने का, काफ़ी थकावट हो गई है, तो वो फाइनली सक्सेसफुल हो गया मेरा जाने का मोटो, बट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, सीरियसली बहुत ही अच्छा। मुझे नहीं पता, मुझे 380 का ये महंगा पड़ा होगा, किस तरह का पड़ा होगा, बट मुझे लेना था, जैसे ही देखा वैसे ही मुझे पसंद आ गया। चलिए गाइज, आज का मेरा यही व्लॉग था, कल की ब्लेसिंग के लिए थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव गाइज, और कल के बाद मेरे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का मेरा सबसे जो मेन पर्पस था वो पूरा हो गया है, बहुत लकी दिन है आज। फाइनली बाल गोपाल जी, गणपति जी दोनों घर आ गए हैं मेरे। चलिए गाइस, व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। मैं आपको कल मिलूंगी एक प्यारे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव गाइस, बाय बाय।